हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हमने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। होप यू हैव ऑल डन एंड कंफर्टेबल विद दैट क्वेश्चन। काफी इजी थे, स्ट्रेट क्वेश्चंस थे, कोई भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं थे। स्टिल देखते हैं आगे, एक और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। धीरे धीरे चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर 2020 इज एज फॉलोस। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अपन ने कर लिया है कभी? तो नहीं किया ना, मैं तुम्हारे साथ हूं आज। वो स्पोर्ट्स राइटर क्लब था, ये यूथ क्लब है ऐसा बोलना चाहते हो? कोई बात नहीं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है उसमें ईयर 2020, व्हाट डज इट मीन? करंट ईयर हो सकता है, अभी 31 दिसंबर है तो यहां पास 2020 ही है। ओके okay? यहाँ पास 1920 की जरूरत नहीं है। तो करंट ईयर इज 2020। सैलरीज, ये क्या दिया हुआ है आपको? एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर, हाँ आप सही देख रहे हैं। मैं सॉल्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चन ही है। आपको क्या बनाना पड़ेगा? रिसीट एंड पेमेंट। सो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका यहाँ से शुरुआत हो गया लगता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है यहां भी, बस खत्म, डन, सब खत्म। किसका? टेस्ट योर नॉलेज का? नहीं 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 नहीं, अपने आप को संभालो, आग में खुद जाके हाथ और पैर दोनों नहीं डाल लेने का। हाँ, सर के बल आना पड़ेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। अब हमको यहां पास आइडेंटिफाई क्या करना होगा इन क्वेश्चंस में, कौन बताएगा? रिसीट्स कितनी है और पेमेंट कितना हुआ होगा, इररिस्पेक्टिव वो किस पीरियड का है। इस साल हमको कितनी रिसीट, तो एक चीज समझ में आती है, हम ये सैलरीज को देख के लगता है कि हम इसने हमने क्या किया होगा, पेमेंट, ऐसा लगता है। अब आउटस्टैंडिंग वगैरह आगे आएंगे तो अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो अभी हम क्या डिनोट करेंगे, मान लेते हैं पूरा को पूरा क्या है, पेमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑडिट फी, पेमेंट सेक्रेटरी ऑनरेरियम, पेमेंट स्टेशनरी प्रिंटिंग, पेमेंट एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, पेमेंट इंटरेस्ट चार्जेस, पेमेंट डेप्रिसिएशन पेमेंट नहीं है। ओके okay? ऐसे एज इट इज रहने दो, देखते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होगा? रिसीट एंट्रेंस फी, रिसीट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर डिनर क्लब, रिसीट एनुअल स्पोर्ट्स मीट, रिसीट। सो हम ये सारे आइटम्स को कहां लिख देंगे? अकॉर्डिंगली रिसीट एंड पेमेंट में लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? This account had been prepared after following adjustment. ये ऊपर वाला वाहियात जो account है वो prepared किया गया है नीचे वाले कुछ वाहियात adjustment करने के बाद। तो वो बोलना चाहता है कि ये सब देख लो एक बार। Subscription outstanding at the end of the year 2019 का outstanding था तो 2020 में मिल गया होगा। So हमारी ये receipt में क्या करेंगे, add करेंगे, receipt add, जाओ receipt में, कहाँ है subscription? क्या हुआ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? 2019 का आउटस्टैंडिंग है तो 2020 में रिसीव हो गया होगा, तो हम अपने रिसीट के अंदर उसको ऐड करेंगे। किस किस की बात समझ में आ रही है ना? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2019। लास्ट ईयर कुछ हमको एडवांस में मिल गया तो इस साल मिला होगा क्या? नहीं। तो इसको क्या करेंगे, रिसीट से माइनस करेंगे, दो टिक। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 31 दिसंबर 2020। कुछ सब्सक्रिप्शन 2021 के अब भी मिल गया, मतलब पैसे कब आए, अब भी आ गया है, हमें रिसीट हुआ है, रिसीट ऐड करेंगे। अरे एक और कर लेता हूं, बार बार ऊपर कौन आएगा इतने बार। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओ माय गॉड, इस साल रिसीव्ड होना था लेकिन हुआ नहीं है, तो रिसीव्ड नहीं हुआ होगा तो माइनस। Salaries outstanding at the beginning and at the end of 2020 were respectively 400. एक सेकंड आराम से। ओपनिंग बैलेंस का आउटस्टैंडिंग हमने इस साल पेमेंट कर दिया होगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एड। और जो इस साल पेमेंट करना था आपने पेमेंट किया नहीं है तो अभी इसको क्या करेंगे, लेस। समझ में आ रहा? सो पेमेंट में के साथ हम ये सब करना है।
सैलरीज में जाके दो टिक करते चलो बुक में कुछ कुछ, किसी को बिल्कुल भी नहीं क्लिक हो रहा हो तो अब भी बता दो, अभी शुरुआत है नहीं तो क्वेश्चन होने के बाद हाँ क्या क्यों ऐसे क्या करते हैं वही 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 आप बोल सकते हो अपोजिट, आप अपने लिए समझने के लिए जो समझना हो समझ लो, लेकिन मैं एकदम लॉजिकली मतलब क्या करना चाहिए क्या हुआ था, हमको अभी देखना है रिसीट एंड पेमेंट राइट। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60। जनरल जो एक्सपेंसेस ऊपर है कहां है उसमें क्या हुआ है 60 जो है प्रीपेड इंश्योरेंस है, सो मतलब हमने क्या किया होगा उसको लेस कर दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में हमें ऐड करना है तो पेमेंट में जाके ये भी ऐड कर लेना, क्यों क्योंकि ये हमने प्रीपेड किया है और ऊपर क्या बना है एक्सपेंडिचर का कॉलम, एक्सपेंडिचर में हम प्रीपेड आइटम हटा दिए होंगे ओके। ऑडिट फी ऑफ 2020 यस इज येट अनपेड, मतलब कितना ऑडिट फी है 250। अब ये मेरे को कोई बताए ये 250 ऑडिट फी किस साल की है, ये समझ में आ जाएगा, इस साल नहीं ईयर बोलो, ईयर बोलो, ये ऑडिट फी 2020 की है, पे किया हो या ना किया हो, अभी नीचे से क्या समझ में आ रहा है पे अभी तक नहीं किया है तो हम क्या करेंगे इसको लेस कर देंगे 250 कहां से पेमेंट से, तो अपने आप वो जीरो हो जाएगा ऑडिट फी, कहां पेमेंट में क्योंकि पेमेंट हमने किया नहीं है। ड्यूरिंग 2020 ऑडिट फी फॉर 2019 वॉज पेड अमाउंटिंग टू ₹200। ड्यूरिंग 2020 इस साल ऑडिट फी ऑफ 2019 हमने इस साल पे किया है, बताओ क्या करेंगे ऐड करेंगे कहां पेमेंट में, कितना 200 कहां लिखा है क्वेश्चन में लिखा है। चले आगे, लग रहा था ना डर क्या है, थोड़ा सा लॉजिक के साथ जो कंटिन्यू आ रहे होंगे उनको कोई प्रॉब्लम गया नहीं, या पहली बार भी आ रहे कान खोल के सुन रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यूड ₹10,000। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1st January 2020 इज वैल्यूड ₹2,600। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दीज इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹2,700। इन 2019 द क्लब हैज रेज्ड बैंक लोन ऑफ 2000। This was outstanding throughout 2020. On 31st December 2020, cash in hand amounted to ₹1,600. आखिर बोलना क्या चाहता है? Prepare receipt and payment and balance sheet. ये balance sheet के item दिए हैं, तो अपन एक काम करते हैं, starting से चलते हैं. बताओ receipt and payment का balance sheet में क्या role है? एक surplus का है, तो ये अपन liability side अभी देखते हैं. ये एसेट साइड में कुछ माइनस करने के लिए है, देखते हैं अपन कुछ ना कुछ करेंगे इनसे। ये सारे आइटम भी हैं जो 2020 के आइटम है, बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट्स ओके। अभी यहां पास आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगनिंग और एंड, ये क्या हो जाएगा माइनस किससे करेंगे हम पेमेंट से कॉमा, साथ में हमारे लिए क्या है लायबिलिटी प्रीपेड, ये बताओ ये क्या है साथ में एसेट्स, ऑडिट फी हमारे लिए क्या है लायबिलिटी, फ्री होल्ड एसेट्स है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये ओपनिंग बैलेंस था ऐसा कुछ है ना, 1st January का है ये कुछ नहीं है आपका, ठीक है इसको भी लिख लेंगे, ये एसेट्स में ओपनिंग में जाएगा, ये एसेट्स में क्लोजिंग में जाएगा, बैंक लोन लायबिलिटी है थ्रू आउट द एसेट्स है। अब आपको चाहिए क्या, कुछ भी नहीं, सॉल्व करते हैं, एक कंसेप्ट बस याद रखना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, आ जाओ सब बना देंगे, जो जो चाहिए उसको सब बना देंगे हम, क्या जाता है हमारा पैसा थोड़ी ना जा रहा है, क्यों Draw the format fast. अरे वही है मेरा इस बार बना हुआ है, आपका भी है, इसको बोलते हैं सुपर स्टूडेंट्स।
क्या बोलते हैं? आपको रिसीट एंड पेमेंट के बारे में याद आ रहा कैसे बनाते हैं? यहां पास लिखा रहता था, कुछ ध्यान हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ध्यान आ रहा है? फिर उसके बाद हमारे बाकी ट्रांजेक्शन होते हैं और आखिरी में बाय बैलेंस आएगा, ठीक है? ये सबको याद आ रहा है? तो मैंने वो लिख दिया है क्योंकि अभी तक वो दिया हुआ नहीं है, लास्ट में ऑलमोस्ट मेरे को जो लग रहा है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए, ठीक है? फुल पेज का बना लो बढ़िया से, इतने गुस्से से आपकी लाइन सही नहीं है, लेकिन अब मैं भविष्य बता देता हूँ। देखो इसने बनाया, आपकी लाइन सही नहीं है, आप बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हो, आपको लग रहा है बहुत बढ़िया कर रहे हो, नहीं। अब आप देख लीजिए वेट तो वगैरह भी देखो, बचपन की बातें, अब मैं CA फाउंडेशन में ये सब नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर नोटबुक में मेंशन करो, किसके किसके नोटबुक में पेज नंबर डला है, रेज करो हैंड, देख लो, दिखाओ, नहीं 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 नोटबुक का पेज नंबर ये देखो, एक ही बस देश में है भविष्य, मोती डाल के होशियारी नहीं, एक ही बस देश का भविष्य। इनपुट करोगे तो अच्छा रहेगा, आप अपने मॉड्यूल में और या जहां पास क्वेश्चन है वहां पास उस क्वेश्चन नंबर कहां सॉल्यूशन किया उसका रेफरेंस दे सकते हो। हाँ बेटा बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2019 एंड सेकेंड बैलेंस शीट जो बनेगी December 2020 नेक्स्ट 7 मिनट्स में प्रॉब्लम खत्म होगा। आ जाइए देवियों सज्जनों, फर्स्ट आइटम क्या बोल रहा है उसका, सैलरी जनरल एक्सपेंस, मेरे को हेल्प करेगा तो कोई, मैं लिखते जा रहा हूं, कितने एडजस्टमेंट बस बताते जाना, बाय सैलरीज, हाउ मच, 4750, दो एडजस्टमेंट है मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर, लाइन टू ही लाइन छोड़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या आइटम है, जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट, कितने एडजस्टमेंट है, 1। नेक्स्ट बाय ऑडिट फी, नहीं दो एडजस्टमेंट है, मैंने टिक नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो एडजस्टमेंट है जो मेरे को याद आ रहा, क्वेश्चन भी पढ़ा है आपने। नेक्स्ट क्या है, इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, कितना अमाउंट है, 1000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट बाय स्टेशनरी, जो लोग पीछे छूट गए ना इतनी देर तक अभी बना रहे हैं, कितना है, कोई एडजस्टमेंट है इसमें, 450 डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट आइटम एनुअल, भूख लग गई क्या, चलो कितना है, कोई एडजस्टमेंट। नेक्स्ट अमाउंट, यार ये मजा नहीं आ रहा है, ये लैपटॉप को ना आज मैं, अरे यार
मैं जस्ट अभी पहुंचता हूँ, सोच लो अभी तिलक रोड ब्रांच ही नहीं पहुंच पाता मैं। क्या अप्रोक्सीमेटली 80,000 है? ये 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की वैल्यू है। चलो नेक्स्ट क्या किया जाए? टू सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम 7,500, कितने एडजस्टमेंट है? 4, मैं ऐसे डायरेक्टली छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्रेंस फी, कोई एडजस्टमेंट? हाउ मच डायरेक्टली आउटर कॉलम? नेक्स्ट एनुअल डे, एनुअल डिनर है भाई ये भूखा। कितना अमाउंट है? नेक्स्ट आइटम किसका? ये रिसीट एंड पेमेंट है, ध्यान रखना। क्या बन रहा है ये? अलग अलग, यदि उसने नेट भी कर दिया होगा तो आपको अलग करना पड़ेगा जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होगी। ये क्या बन रहा है हमारा? हेडिंग पढ़ो, रिसीट्स एंड पेमेंट। जितनी रिसीट्स है रिसीट्स पे लिखेंगे। नेक्स्ट कितना? कोई एडजस्टमेंट नहीं, डन। अब यहां पास से हमने दो चीजें छोड़ी हैं, कौन कौन से आइटम है मैं बता रहा हूं, उसको ना ऐसे मार्क करो, भूलने का नहीं है, क्योंकि ताकि आपको पता चल जाए कि ऊपर से कौन से दो आइटम है जिसको आपने हाथ नहीं लगाया। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 600। अब इसका अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले आइटम से बताओ कहीं पास से कुछ भी आपके न्यू बैलेंस शीट में भी कोई रोल है क्या, ओल्ड बैलेंस शीट में रोल है क्या? अभी तक तो नहीं है, क्योंकि नीचे की दी हुई इन्फॉर्मेशन से ऑडिट फी वगैरह का भी इम्पैक्ट हम दे देंगे, नो प्रॉब्लम। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2019, दो बार लिखना है, बोलो। इसमें ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019, ये लिख देंगे। नेक्स्ट 2019 की बैलेंस शीट में आओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा आउटर कॉलम? 600। समझ में आया क्या किया मैंने? नेक्स्ट क्या लिखा है बोलो, नेक्स्ट आइटम एडवांस है, सब्सक्रिप्शन एडवांस है 450। मैं देखो कहां लिख रहा हूं, एक लाइन ब्लैंक छोड़ के लिख रहा हूं, बिकॉज दो आइटम ऐड के और दो आइटम लेस के नीचे लिखूंगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन इन, या कि ऐसा लिख सकते हो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 इन 2019, हाउ मच? 450। इसको क्या करना है हमको, लेस करना है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं। सो 2019 की बैलेंस शीट में आओ, लाइबिलिटीज में एडवांस सब्सक्रिप्शन 450, नहीं लिखा तो भी चलेगा ना, 2020 एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2020 270 है, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2020 फॉर 2021, हाउ मच? 270। सो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन 270 आउटर कॉलम। समझ में आ रही है? साथ में रहोगे सब समझ में आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 750 लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020 750, ये भी लेस कर देंगे, मतलब ये भी पैसे आए हुए नहीं है। सो ये हमारे इस साल के लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स। सो मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच, 750। कुछ बात समझ में आ रही है?
कैसे चलते हैं, दो दो बार सब आइटम लिख लिया, ओके। नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 400, आ जाओ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हाउ मच 400, इसके साथ क्या करें, क्या लिखूंगा मैं, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019, पूरा लिखना है तो पेड इन 2020 हाउ मच 400, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, 450 का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, सो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020 नॉट पेड, क्या मतलब लिखने का, वही आउटस्टैंडिंग का मतलब ही है, हाउ मच 450 है, ओके ये नेगेटिव फिगर है, आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा 4700, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में आ जाओ, करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज हाउ मच 450, दो बार हो गया, ये भी लिख रहे हो ना साथ में, कौन है इस देश का भविष्य। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60, क्या करोगे इसके साथ, 60 रुपीज इस साल का पेड फॉर 2021 है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर 2021 हाउ मच 60, ऐड कर दिया तो आउटर कॉलम में 560,
चलो बहुत जल्दी पता चल गया, थैंक यू बच्चों, बता दिया। आ जाओ, सो ये आउटर कॉलम है, लेस क्या करेंगे अपन यहां, डेप्रिसिएशन गिवन है, कहां गिवन है, आ जाओ कितना है 300, आ जाओ। सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 300 का डेप्रिसिएशन लगाया गया होगा, सो प्लस, सो 2007 में 300 गया तो कितना बचा यहाँ पास, 2000 ये ऐड करना, ये 3000 होगा तब जाके 300 लेस होके आउटर कॉलम में 2700 आया होगा, क्या ये बात समझ में आई। अब ये जो परचेस है वो क्या बन जाएगा, इसको परचेस नहीं, इसको न्यू एडिशन बोलूंगा, नहीं तो आप भी परचेस लिख लोगे। ये क्या है बल्लू फिग्गू, हाँ कितना आएगा 400, मतलब ये हमने परचेस किया होगा क्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सो आ जाओ, हमने एक बार लिखा 400, एक बार और लिखेंगे पेमेंट में बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हाउ मच 400, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डन। नेक्स्ट बैंक लोन 2000 लिख दो, बैंक लोन 2000 अगेन, बैंक लोन 2000, क्या ये बात समझ में आ रही है, चले आगे। चले आगे का आइटम क्या दिया हुआ है, आ जाओ कैश इन हैंड 1600, सो आ जाओ एसेट्स में न्यू बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 1600। अब आपसे फिल इन द ब्लैंक वाला काम पूछा जाता है, बोलते हैं अब बताओ रिसीट्स दूसरा इफेक्ट कहां जा, अरे 1600 कितने बार लिखा आपने, दूसरा बार कहां लिखना है पेमेंट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना 1600, और इसको क्या कर दिया हम क्लोज। अब बताओ टोटल कितना आया और बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, ये आउटर कॉलम में ऑडिट फी कितनी आएगी 200, ये कितना आ रहा है सब्सक्रिप्शन 71, ऐसा भी आता है कोई बात नहीं। चलो बैलेंसिंग फिगर कितना आने वाला है, बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, कितना कैश बैलेंस था आपके पास, पूरे क्लास से कट 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 आवाज आ रही है, सब कैलकुलेटर तोड़ दोगे आज। ये दो दो आंसर आ जाते हैं ना तो आधा तो वहीं पास खत्म हो जाते हैं, और कुछ वन थ्री नाइन जीरो, और कुछ लोग रहते हैं इंतजार करते हैं, हाँ जनता के साथ मैं हूं। अब ये 1390 कितने बार लिखा आपने, एक बार, और दूसरी बार कहाँ लिखेंगे 2019 की बैलेंस शीट में कैश इन 1390। अभी इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल दो आप, आज क्या लिखेंगे यहाँ पास, कुछ सुनहरे पेनों से लिखते हैं इसको, कैपिटल फंड क्या लिखना भूलना नहीं है मालूम है आपको, बैलेंसिंग
फिगर 11,540। इसके साथ क्या करें बताओ, इसको भी दो बार लिखेंगे। आ जाओ फिर से बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड 11,540। बताओ इसके साथ क्या करना है अभी, प्लस इसको कितने बार लिखना पड़ेगा? एक बार। क्यों? क्योंकि ये कहां दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब समझ में आया क्या मैंने क्यों मार्क करवाया था? डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर दिया, सरप्लस भी 600। कितना हो जाएगा? 12,140 टोटल 110। आ रही है बात समझ में? सो एक बार जो देश के भविष्य है वो देखें एक बार। ये था स्क्रीन के सामने पूरा सॉल्यूशन। जिन्होंने कुछ मिस हो गया हो उनके लिए, रिसीट एंड पेमेंट कुछ इस टाइप से दिख रहा है। कैसा महसूस कर रहे हो? वो कहते हैं ना ड्रम साज या ऐसा कुछ पजल वगैरह सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है, तो वैसे आपके साथ खेला जा रहा है। ये फिगर नहीं दिया, ये फिगर नहीं दिया, अब यही फिगर यहाँ आ गया, तो ये फिगर यहाँ से यहाँ आ गया। चलो कोई बात नहीं, दिखा रहा हूँ। पहले ये तो मैच कर लो, डन। चलो अभी आप कौन सी बैलेंस शीट देख लो, न्यू बैलेंस शीट देख लो, 31st दिसंबर 2020 की बैलेंस शीट। बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है पूरे स्क्रीन में। ओल्ड बैलेंस शीट, डन। चलो फिर किसका इंतजार, किसका तुम्हें क्या हुआ? वायरल हो जाऊंगा क्या? क्या बात है, कुछ आते हैं स्टूडेंट पुराने, सर आपका हम बनाते हैं। मैंने कहा यार मेरे को मालूम ही नहीं कब मैं किस लेक्चर। अरे वो मीम्स वगैरह रहते हैं ना, और वो क्लिप वगैरह। मैंने कहा देखो बच्चों मेरे को नहीं पता कब मैं कौन से लेक्चर में क्या बोल जाता हूँ। मैंने कहा मैं स्टूडेंट से बोल दूंगा कि कोई वीडियो देखते वक्त कभी ऐसा कुछ मिले तो वो उसका टाइमिंग, लेक्चर का नाम, नंबर और टाइमिंग भेज देना, तो मैं तुमको बता दूंगा। तो अब मैंने कहा इसको बताने के लिए भी मेरे को 3 से 4 महीना हो गए। वो रोज पूछता है सर कोई मिला? मैंने कहा अरे मैंने क्लास में अनाउंस ही नहीं किया है, तो किसी को मिल जाए तो भेज देना टाइमिंग, तो मैं यहाँ से निकलवा दूंगा, बेचारे की मन की शांति मिल जाए इससे। वो बोला है 5 सर वीडियो देखो मस्त बना के देता हूँ। मैंने कहा ठीक है देवता। अभी रिसेंटली में एक यहाँ पास स्ट्रीट कॉफी करके एक और स्टूडेंट है, उसने ओपनिंग के लिए बुलाया था कल। बोला सर आप ओपनिंग में नहीं आए थे, अब तो आ जाओ। फिर मैं गया हुआ था कल, स्ट्रीट कॉफी करके भंडारकर रोड में ओपन किया है। क्लास के लिए कोई ऑफर नहीं है। और वहां गया तो 2-3 स्टूडेंट बीएमसीसी वाले बैठे ही हुए थे पहले से वहां। मैंने कहा बस हमको भी क्लासेस साथ एक कैफे हमेशा चालू करना चाहिए। कौन से? अरे आवाज जाती है, कंप्लेन आ रही है कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। From the following income and expenditure account and the balance sheet of club, prepare its receipts and payment account and subscription account. तो आपको यहाँ पर क्या नहीं बनाना है? Balance sheet नहीं बनाना है, already दी हुई है। और subscription account मतलब आपके लिए क्या है? मजाक। आपको बस feeling क्या अंदर से आनी चाहिए, कौन सी चीजें आपके लिए assets है, कौन सी चीजें आपके लिए liability है, या कि कौन सी चीजें है receivable है, कौन सी चीजें payable है। Receivable का हमेशा balance क्या होगा इस दुनिया में? Debit।
हमेशा पेबल का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। कोई सा भी अकाउंट होने दो, ऊपर कुछ भी लिखना हो लिखते रहो। समझ में आ रही है बातें? चलो चालू करते हैं। इस बार सुनहरी दूसरी पेन लेते हैं। अपकीप ऑफ ग्राउंड, ये क्या है आपका? अरे आप तो पहले यही नहीं समझ में आ रहा, ये क्या आपका एक्सपेंडिचर, ये क्या आपका इनकम, तो हमको रिसीट एंड पेमेंट, तो बताओ ये क्या हो गया आपका? पेमेंट, पेमेंट, प्रिंटिंग पेमेंट, सैलरी पेमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो अभी इसको मार्क कर लेते हैं। बाय बाय बाय। सब्सक्रिप्शन रिसीट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रिसीट, लेक्चर्स रिसीट, एंट्रेंस फी रिसीट, मिसलेनियस इनकम रिसीट, और ये कहाँ जाएगा? ये फिर से मार्क कर लेते हैं, इसको भी मार्क कर लो। पता है आपको सबको, अब पता चल चुका है किसको कहाँ कहाँ इम्पैक्ट देना है। स्टिल इस बार हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपने रिसीट एंड पेमेंट में लेके जाना है। सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड इन, अच्छा ईयर कौन सा है? 1920। सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021, मतलब ये क्या होगा? प्लस जाओ सब्सक्रिप्शन में, एक दो कुछ तो टिक कर दो, एक तो करी दो, तो ये क्या होगा? आपकी इनकम है इस साल की रिसीट है, इनकम नहीं बोलेंगे, इस साल की रिसीट है। ओके अब देखो खेल देखो इसका, होशियार जन का। प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस 25 है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ कितना 1000 का, कितना हो गया 26000, और प्राइसेस कितने की दी है 2000 का। इससे क्या समझ में आ रहा है? प्राइसेस ये क्या है? पेमेंट है। इंटरेस्ट क्या है? रिसीट है। किस किस को ये बात समझ में आ गई? क्या करने का आपको? कुछ नहीं है, क्योंकि उसने लिखा है ओपनिंग बैलेंस है। क्या हो सकता था? डोनेशन भी हो सकता था यहाँ पास, लेकिन नहीं है। चलो कोई आइटम छूटा क्या ऊपर से अभी तक? नहीं। जनरल फंड, ये देखो जनरल फंड ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 56420, डेफिसिट 2820, मतलब यही 2820 कट कर दो, क्यों? हमको कुछ करना ही नहीं है, हो गया। बचा क्या है? एंट्रेंस फी, ये आपकी क्या होगी? रिसीट। एंट्रेंस फी ऊपर दिया है क्या कहीं? यस दिया है, इसमें जाकर टिक कर लो। तो रिसीट में क्या करोगे आप? प्लस, सिर्फ रिसीट मत लिखो, क्या करोगे? ऐड। मैंने बोला था ना यहाँ बस कोई भी आपके डबल एंट्री सिस्टम वगैरह थोड़े से काम करते हैं, थोड़े लॉजिक, लेकिन बहुत सारा लॉजिक काम करता है। ओके डन। यहाँ पास कोई भी आइटम बचा क्या? नहीं। आ जाओ बैलेंस शीट की। फर्नीचर क्या करने का हमको? कुछ नहीं करने का, आगे नहीं दिया होगा कुछ ना कुछ, तो देखेंगे बाद में। अभी हमको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ग्राउंड एंड बिल्डिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, कोई कैश इन हैंड क्या करेंगे? हाँ ये क्या करेंगे अपन? बैलेंस कैरेट डाउन में लिख देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 1920, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इसको क्या करेंगे अपन? रिसीट से लेस करेंगे। मैंने ऑलरेडी दो टिक कर दिए है ना। आ जाओ अपकीप ऑफ ग्राउंड इज 600, फॉलोइंग एडजस्टमेंट अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 एंड प्रिंटिंग 240 रिलेटिंग टू 2018-19 वर पेड इन 1920, मतलब अपकीप ऑफ ग्राउंड इसको क्या करेंगे? पेमेंट में ऐड करेंगे, प्रिंटिंग को भी पेमेंट में ऐड करेंगे। जॉब प्रिंटिंग और अपकीप में ऐड, टिक कर दो। समझ में आ रही है बातें? दोनों में ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि 2019 का है, 1819 का अभी हमने पे किया, पेमेंट हमको रिकॉर्ड करना है, इसलिए बार बार लिख रहा हूँ पेमेंट में ऐड करना है। वन हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी वर कैपिटलाइज बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। समझने की कोशिश करते हैं एंट्रेंस फी। अच्छा 1300 1300, अच्छा हुआ लिख। ये बताओ इसने ये ट्रांजेक्शन नहीं लिखा होता एडजस्टमेंट, तो भी हमने तो ऑलरेडी कर लिया था, कितने इंटेलिजेंट हो गए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 1819 800, अच्छा 1819 को 800 आउटस्टैंडिंग था, तो इस साल रिसीट में आ गया होगा, ऐड करेंगे। और 1920 का कितना है आउटस्टैंडिंग? 700, तो अपन क्या करेंगे? ऑलरेडी हमने कर दिया है, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं भी दी होती तो भी हमने ऑलरेडी इंपैक्ट दे दिया है, तो अभी हमको सिर्फ एक और टिक करना है। समझ में आ रही है मेरी बातें बच्चों? बताओ इसमें क्या नहीं दिया है? एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दे दिया आउटस्टैंडिंग। अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2018-19 वाज 200, सो हम क्या करेंगे? रिसीट्स
1819 में रिसीव्ड हो गया है हमको, चिक चिक के लिख रहा है वो हमको 1819 रिसीव्ड हो गया है, तो इस साल रिसीव्ड नहीं होने वाला। ओके okay, तो हम इसको माइनस करेंगे। और 1920 का हमने ऑलरेडी 100 कर दिया। ये देखो कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग, बताओ। बहुत अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को आपने इनकेस क्लास में या साथ में हमारे सॉल्व नहीं किया तो एग्जाम में बनेगा क्या? नहीं। लेकिन एक बार करने के बाद बनेगा क्या? हाँ। अब लेकिन आपको डरना नहीं है, नहीं तो एनटीसी, नहीं नहीं आपने भी बोला था एनटीसी, अरे एनटीसी क्या है, कुछ भी रहे, आपने यदि ठीक ठाक पढ़ा है आप उसका 99% सॉल्व कर लोगे। ओके, सो व्हाट यू ऑल आर वेटिंग फॉर, ड्रॉ द फॉर्मेट फास्ट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोला है तो उसकी इज्जत रख देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है भाई। इसका मतलब मालूम है क्या है, किस लोग को समझ में आया? सब्सक्रिप्शन में एक भी लाइन नहीं छोड़ना रिसीट में। क्यों? क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंस लेके जाएंगे। सर बहुत जल्दी बता दिया आप। हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस। हाँ हाँ, कुछ नहीं करना है, वो बैलेंस शीट में करते हैं ना, कर दिया ना उसने। कैपिटल फंड में जाके माइनस किया जाता है कैपिटल फंड से, उसने कर दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते अभी। वैसे भी डेफिसिट का रिसीट एंड पेमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, बोलता है डेफिसिट हो या सरप्लस हो, आई डोंट केयर। हाँ, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी उसने किया हुआ है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, उसने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया अभी तक, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपन अब भी और क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो कहीं पास भी नीचे और कोई डिटेल दी हुई नहीं है, और उसने ओपनिंग बैलेंस भी कोई भी एसेट्स का दिया हुआ नहीं है, तो हमको डेप्रिसिएशन भी फर्नीचर के ऊपर उसने लगाया है, तो हम क्या करें? समझ लो ये फर्नीचर पहले कितना होगा, 10,000 का, बताओ इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। उसने बोला होता एक एडजस्टमेंट लिख देता, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज 12,000, तो हमको क्या समझ में आता, 2000 का परचेज है, समझ में आ रहा पेमेंट किया होगा। अभी उसने कुछ लिखा है क्या? नहीं। देख लेते, क्वेश्चन खत्म हो गया ना। हटा देता हूं इसको, नहीं तो डर जाओगे। आ जाओ जल्दी से कर देते हैं प्लीज। चलो फर्स्ट आइटम फर्स्ट, कुछ भी उठाएंगे नहीं कहीं से। अपकीप ऑफ ग्राउंड, सो पेमेंट है, राइट डाउन। जल्दी से बताते जाओ। 10,000 इनर कॉलम, वन लाइन ब्लैंक, राइट डाउन नेक्स्ट बाय प्रिंटिंग 1,000, वन लाइन ब्लैंक। बचाओ, बच्चा कितने प्यारे से बोल रहा है। हाँ बोलो, क्या है? क्या बोलो? सैलरीज ना। हाँ, 1,000 आउटर कॉलम, नेक्स्ट बाय रेंट 600, नेक्स्ट बाय कुछ नहीं है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट टू, सब्सक्रिप्शन, कुछ नहीं लिखने का है सब्सक्रिप्शन, मैं बता रहा हूं लिखना है सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट से ऐसे कैसे आएगा? सोचो मैं क्या लिखूंगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, मैं एंट्री कर रहा हूं देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन लिखा है, बचा क्या बच्चों? बाय रिसीट एंड दूसरा, जब हमको पैसे आए होंगे, जब हमको, अच्छा कोई मेरे को एंट्री बताओ, जब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा होगा तो क्या लिखा होगा एंट्री? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट, किस किस को ये बातें समझ में आ रही। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हो और यहाँ क्या लिखते हो, बाय सब्सक्रिप्शन। एंट्री क्या बन गई, सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लिखा है, बचा क्या, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो यहां लिख दो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने ये सेकेंड लेक्चर में सब डिटेल में समझाया है, स्टिल अब बताओ क्या आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, कहां है? क्वेश्चन में चीख चीख के दिया हुआ है, बताओ अभी कितना है, 17,320। समझ में आ रही बातें, आ रही हो तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आगे हेल्प कर दो, अमाउंट नेक्स्ट अमाउंट नेक्स्ट एंट्रेंस फी। कभी भी मैं ये गलती नहीं करूंगा, मेरे को सबको बच्चे बच्चे को मेरे क्लास में बैठे पता है कि यहाँ 1300 ऐड करना, क्या करेंगे हम नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ करना है नहीं। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, समझने की बात कोशिश करना, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 100 रुपीज है। बताओ आपके लिए ये क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस कहां साइड लिखेंगे, क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट साइड है, लिखते कहां है हम डेबिट साइड, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, कैरेट डाउन। और कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है और एक्चुअल मेरी गलती है, मैं यहां पास लिखता हूं टू एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 20, क्या है कितना है, किस ईयर का है, 2020 समझ में आ रहा है क्या आपके लैंग्वेज में। अब ये क्या है बताओ, एडवांस है, इसका बैलेंस क्या है, देखो ये क्रेडिट है, किस समझ में आ रही है ना बातें, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको अपन अपोजिट साइड लिखते हैं, ये लिखा डेबिट साइड है लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। ये ओपनिंग में ये अप्लाई नहीं होता, ये सबको पता है ना। नेक्स्ट यहां पास क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आएगा यहां पास, टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस इन 2019-20 आएगा, आउटस्टैंडिंग इन 2019-20 आएगा, नहीं नहीं 18-19 आएगा, और यहां पास भी 1920 नहीं आएगा, इन 2018-19 आएगा। ये बात जिस जिसको समझ में आ रही बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। नेक्स्ट बताओ क्या करें, बोलेगा इंटरेस्ट, नहीं भाई देखो इंटरेस्ट हमको क्या आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीट है टू कितना 1000। नेक्स्ट प्राइसेस पेमेंट है बाय 2000, जल्दी से आ जाओ बच्चों सब लोग साथ में रहना, नहीं तो बाद में डर लग जाएगा आपको। हो गया यहां तक, नेक्स्ट आइटम एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी प्लस एंट्रेंस फी कितना 1300, कितना हो जाएगा 2600। नेक्स्ट फिर अपन और देखते हैं, बाय बैलेंस कैरिट डाउन किसका, कैश का, बाय बैलेंस कैरिट डाउन हाउ मच 2300। नेक्स्ट
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 700, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कितना 700, मैंने लिख दिया, देखो सेकंड लेक्चर जाके देखना जिसको नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने सबके सेपरेट अकाउंट बनाए, फिर कैसे ये सब ट्रांसफर होते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये बताया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के और परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब एक्सप्लेन किया गया है, स्टिल यहाँ पास से भी आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो वो आप डिटेल में देख सकते हैं। अपकीप ऑफ ग्राउंड ऐड करेंगे कब का है, आउटस्टैंडिंग ऑफ मैं प्रीवियस ईयर लिख देता हूं, कितना 1800 है, 1800 है, एटीन नाइनटीन का है, ओके सो ये क्या करेंगे हम ऐड करेंगे तो 10,600 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंटिंग प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 1819 बराबर है 250, 240। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या चाहते हो मेरी जिंदगी से। ये भी हमारा हो गया है सेकंड वाला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1819 कितना है 800। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन एडवांस इन 1819 200। देखो लास्ट ईयर, एक बार सुनना, लास्ट ईयर का एडवांस हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, किया है क्या। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है एसेट्स, और एसेट्स हमेशा क्या होते हैं डेबिट। एक ये दूसरा तरीका है जिसको समझ में आए, लास्ट में आप सब समझदार हो, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो कितना 17,320, ये बोल रहा है तो मान लेता हूं। सो ये लिखना क्या नहीं भूलना है आपको, मैं होऊंगा एग्जामिनर ना चेकर तो मैं कट कर दूंगा। और एक्चुअल में वहां भी कट कर देते हैं, बिकॉज हाउ यू आर आइडेंटिफाइड दिस 17,320। सो लास्ट में आप सबको पता है, अरे कितने भाई याद हो यार, बोलता है आपसे कौन चेक करवा रहा है, बैलेंसिंग फिगर निकालो, इसकी बात मैं मान लेता हूं। दिस वे वी हैव टू सॉल्व सच सम्स, डन। So that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye-bye. Main important, next session sharp time se chalu karenge, because next session ka jo question hai bahut bada lengthy hai. Okay? Bahut lengthy hai. Thank you so much.